गुड इवनिंग। अभी रात के बज रहे हैं 8 और मैं अपना ब्लॉग जो है अभी से स्टार्ट की हूँ, तो ये कल तक भी चल सकते हैं। और आज है सैटरडे और ये ब्लॉग जो है कल तक चलेगी, उसके बाद ही अपलोड हो सकता है। पर मुझे थोड़ी सी लेट होगी ब्लॉग स्टार्ट करने में, पर देर से ही पर दुरुस्त आए, मतलब देर से ही सही पर मैंने ब्लॉग करना स्टार्ट कर दिया है, तो इस बात की मुझे खुशी है। और फ्रेंड्स, एक व्यूअर जो है मेरी, एक फ्रेंड्स है, वो मुझे बोल रही थी जब मैं दरभंगा में थी और वहाँ पर जब मैं अपनी लैंग्वेज में बातें कर रही थी, तो उन्होंने पूछा कि पुष्पा जी ये कौन सी लैंग्वेज है। हाँ बेटा, यहाँ पर मेरा बैग है, हाँ ठीक है, कौन सी, अच्छा टॉयलेट ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है। तो फ्रेंड्स मैं वो बता दूँ कि वो मैथिली लैंग्वेज है। हम लोगों का जो लैंग्वेज है वो मैथिली है, हम लोग मिथिला के हैं और हमारी लैंग्वेज मैथिली है। तो मैं मैथिली में बात कर रही थी, तो उन व्यूवर को ये बात क्लियर हो जाएगा मेरा, जब ये ब्लॉग उन तक पहुँचेगा, जब ये ब्लॉग वो देखेंगे तो उनको ये बात जो है क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही थी। जब मैं बिहार जाती हूँ, अपने मायके जाती हूँ, तो अपनी मम्मी से और नानी से और जो भी वहाँ के लोग हैं, मैं उनसे मैथिली में बात करती हूँ। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरी बेटी भी मैथिली में बात करे, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी सीखना तो बहुत ही इजी होता है। मामा, पर हाँ मैं तो बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ ना, नीचे कुर्सी छे ओकरा कब उतारबे। आप बोलती हैं, तो मेरी बेटी जो है मैथिली बोलती है, वो सीख रही है और बहुत हद तक सीख भी गई। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपनी लैंग्वेज जो वो सीख जाए, क्योंकि बच्चे इंग्लिश और हिंदी तो बहुत इजी वे में सीख जाते हैं और अदर लैंग्वेज भी बहुत इजी वे में सीख जाते हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज जो होती है वो सीखने में बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि ना घर में यूज़ होता है और ना ही कहीं पर जाने से यूज होता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो है मम्मी से ये लैंग्वेज सीखे, और जब मैं बिहार जाऊं तो ये लैंग्वेज वो भी बात करे, मैं भी बात करूं, जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से सीख जाए। मैंने सर में ऑयल लगाया है, सर की जंपिंग की है, खुद भी की है, अपनी बेटी की भी की है, अच्छे से जंपिंग। क्या हुआ? अरे बटन लगा हुआ है तो कैसे खुलेगा? सॉरी, हाँ अभी जो मैंने लिप बाम यूज़ किया है वो बायोटेक का ये लिप बाम है, और इसका प्राइस है, एक मिनट में बता रही हूँ, इसका प्राइस 175 है, मार्केट में 175 में अवेलेबल है। मैंने मार्केट से लिया है, ऑनलाइन मैंने चेक नहीं किया कि ऑनलाइन पे क्या प्राइस है, क्योंकि ऑनलाइन पे कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट से सस्ते मिल जाते हैं, कभी कभी डिस्काउंट चलते रहता है तो उसमें सस्ते मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने अभी तक ऑनलाइन चेक नहीं किया, ऑनलाइन चेक करके भी बता दूंगी। और इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है 8/18, और यूज़ बिफोर 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देख के। तो ये जो है और काफ़ी बड़े डिबिया में आती है, ये लॉन्ग टाइम चलता है, ये इतने बड़े डिबिया में आती है तो ये लंबा टाइम चलता है, क्योंकि मैं इसे जो है 2 टाइम ही यूज़ करती हूँ, एक नहाने के बाद और दूसरी रात को सोने से पहले मैं इसे यूज़ करती हूँ। और ये मिक्स फ्रूट से बना हुआ है, इसकी खुशबू भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है,
बायो फ्रूट्स वाइटनिंग लिप बाम, ये होठ को जो है वाइट रखता है, ये जो काले काले पन पड़ जाते हैं इससे वो भी हट जाता है, तो इसलिए भी ये बहुत ही अच्छा है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसे ढूंढ ढूंढ के निकाला है, मुझे यहाँ पे नहीं मिली तो मैं अपने सिस्टर से बैंगलोर से मंगाई हूँ, विश्वास कीजिएगा। उसके बाद मैंने लोकल में भी बोल दिया है कि ला के रखिएगा, क्योंकि आप दूर दराज से जो है कभी कभार ही मंगा सकते हैं, लेकिन अगर आप जहाँ रहती हैं वहाँ के आसपास में दुकान में ये मिले तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं ये लॉन्ग टाइम तक चाहती हूँ यूज़ करूँ, क्योंकि इसकी रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और मेरी एक अच्छाई बोलिए या बुराई बोलिए, जो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो मुझ पर सूट कर जाता है जो प्रोडक्ट, तो उसको मैं काफ़ी टाइम तक खींचती हूँ, ये नहीं कि आज ये कल वो, ऐसा नहीं है। हाँ, वेदर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से प्रोडक्ट चेंज होती है, लेकिन जब सेम मौसम आता है, सेम वेदर आता है, तो फिर वो प्रोडक्ट जो है रिपीट होती है मेरे साथ। क्योंकि अभी जो है ठंड का मौसम था तो मैं लैक्मी का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, मैं बहुत दिनों से ये यूज़ करती आई हूँ, और जब ठंड का मौसम आया तो फिर से यूज़ करती हूँ। गर्मी का मौसम में मॉइस्चराइजर थोड़ा यूज़ करना, वैसे फेस के लिए मॉइस्चराइजर हर मौसम में यूज़ करना चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में एक बार यूज़ कर लिए काफ़ी है, बार बार यूज़ करना भी सही बात नहीं है, क्योंकि गर्मी में ऑलरेडी स्किन जो है ऑयल छोड़ी रहती है तो चिपचिपापन कुछ ज़्यादा ही लगता है, इसीलिए मैं इसे यूज़ नहीं करती। लेकिन हाँ, उस प्रोडक्ट को मैं ठंड का मौसम में फिर से रिपीट करती हूँ, उसी प्रोडक्ट को। अब मायके का जो मस्ती था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, वो नशा जो है आराम से अच्छे से उतर चुका है, जो सुख सुविधा जो प्यार मायके में मिलता है वो सब अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब रियलिटी से पाला पड़ चुका है, अब हकीकत सामने आ चुका है। हकीकत ये है कि अब मैं आ चुकी हूँ घर, अपने घर, और वहाँ पे जो है सारे काम मुझे ही देखने होते हैं, और धीरे धीरे जो है यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो गर्म कपड़े जो ठंड के कपड़े जो है ऊनी उसे धो के रखना है, तो कुछ कुछ धीरे धीरे मैं, क्योंकि एक साथ हाथ से धोना 2, 4, 10 ऊनी कपड़े धोना पॉसिबल नहीं है, तो आप धीरे धीरे ही उसे धो सकते हो, तो मैं धीरे धीरे धोना स्टार्ट कर दी हूँ, एक दो करके हर रोज़ धो रही हूँ, और क्योंकि सिर्फ धोना ही नहीं रहता, उसे अच्छे से सुखाना रहता है, क्योंकि फिर 6 महीने के बाद ही वो कपड़े बाहर निकलेंगे, या कहीं आप हिल स्टेशन घूमने जा रहे हो तभी निकलेंगे, तो कपड़े रखे रखे ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आप उस बीच में तो देखोगे नहीं उस कपड़े को, तो इसलिए अच्छे से सुखा के रखना करता है उससे, तो वो मैं धो रही हूँ, धीरे धीरे स्टार्ट कर दी हूँ धोना, और 2-4 करके धो के सुखा के रख रही हूँ, तो ये सब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही कंधे है। एक लड़की के कंधे पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं देख लो, फिर भी मर्द जात जो होते हैं वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाउस वाइफ जो होती है ये एक लेडीज जेंट्स से ज़्यादा काम करते हैं, उन्हें तो गुमान यही रहता है कि बाहर का काम कर लिया, ऑफिस का काम कर लिया, तो सबसे ज़्यादा हम ही काम करते हैं, मेरे हस्बैंड तो इसी गुमान में घूमते हैं। मेरे बहुत सारे प्यारे फ्रेंड्स ने मुझे ये पूछा है कि मायके में जब आप शादी में गए तो आपको क्या क्या मिला, तो फ्रेंड्स मैं वो निश्चिंत होकर आराम से रिलैक्स होकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मुझे और मेरी सिस्टर को क्या क्या मिला। मैं अकेले अपने बारे में ही नहीं शेयर करूंगी, मैं अपने सिस्टर के बारे में भी शेयर करूंगी कि उसे भी क्या क्या मिला, क्योंकि हम दोनों को सेम सेम ही मिला जो भी मिला है, लेकिन मैं शेयर आप लोगों से ज़रूर करूंगी, तो मैं आराम से करूंगी उस चीज़ों को शेयर, क्योंकि बहुत सारे सामान हैं आप लोगों से शेयर करने के लिए, शायद उतना चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर भी ना पाऊँ, इतने चीज़ मिले हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है जो पहनने वाले हैं जो दिखाने वाले हैं, तो वो सब ज़रूर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। वेट एंड वॉच। कभी कभी आप जो सोचते हैं ना वो कर नहीं पाते, मैंने इस बार सोचा था कि मैं सरस्वती पूजा मनाऊंगी, और बेटी को भी बोला था कि बेटा इस बार अपने घर में सरस्वती पूजा मनाऊंगी, लेकिन एट अ टाइम जो है मैं मुझे अपने शरीर ने धोखा दे दिया, मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं नहीं मना पाई, मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगा। मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है संडे का दिन है तो मेरी भी छुट्टी रहेगी, मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो पूरा काम नहीं कर पाते, क्योंकि घर की जो बॉस है वो मैं हूँ, और कौन सा सामान कहाँ रखा है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है, तो वो मुझे इरिटेट कर देते पूछ पूछ के ये सामान कहाँ है वो सामान कहाँ है, वो भी बार बार पूछ पूछ के इरिटेट हो जाते, जो सही नहीं होता, क्योंकि पूजी पूजा करते हैं हम लोग खुशी के लिए शांति के लिए, पर अगर इस बार सरस्वती पूजा करते तो शायद इसी बात से हम लोगों के बीच में अशांति हो जाती, झगड़ा हो जाती, तो इसीलिए मैंने इग्नोर किया, और मैंने अपने हस्बैंड को भी मना लिया कि छोड़िए इस बार, नेक्स्ट टाइम से देखेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट टाइम से मनाएंगे, क्योंकि अब बेटी भी बड़ी हो रही है और वो भी बोलती है कि मम्मी अपने घर में सरस्वती पूजा मनाओ, तो इसीलिए मैं मनाऊंगी, और कम से कम अब हम लोग का तो हो गया, हम लोग तो अब नहीं मनाएंगे, हम लोग को जितना सरस्वती जी आना था आ गया, अब तो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं कि
लक्ष्मी जी आए हाँ, लेकिन अब मेरे घर में एक सरस्वती जी आ गई है जिन्हें अब सरस्वती जी का ज्ञान की ज़रूरत है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं अब घर में भी पूजा करते हैं। अब बेटी है, पढ़ाई करती है, उसका भी मन करता है कि घर में सरस्वती पूजा करें, तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि घर में करेंगे, इस बार से ही स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तबीयत को लेके इशू हो गया, तो इसलिए नहीं किए। इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे स्टॉप, और मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मोबाइल के नीचे रेड बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, उसके बगल में ठीक बेल बटन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं अगले बार जब वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन इसकी पहुँच जाए और आप लोग ईजी वे में देख सकोगे कि कितने सारे व्यूअर की ये कंप्लेन रहती है कि नोटिफिकेशन नहीं आई मुझे, तो आप बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। हाँ, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक किए बिना मत जाना। ओके, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। ओके।